But if we can say that when old bond breaks and new bond forms, ठीक है तेरे पुराना बांधने के ठहरा हुआ है वो फिर रही हुए थे बल्कि के नवा बांधने वो एक ठही हुए थे ऐसी ऐसी रिएक्शन के विचार देखा केमिकल रिएक्शन देखा फार एक दफा सारे के हिंदी एक दफा सागे ही रिएक्शन में H2+O2 जैसे सारे पाना में मिलाया हुआ था या फॉर्मेशन चाली थे H2O जी फॉर्मेशन थी थे ऐसे करे वाली हेड दो को रिएक्शन बताओ HCl प्लस में NaOH पाना में मिलाया हुआ था फॉर्मेशन थी थे NaCl प्लस H2O किन्हें मासा की कोशिश किन्हों आता ओल्ड पांड के डे तरीके से ब्रेक थे था और न्यू पांड की फॉर्मेशन के डे तरीके से आती थी तो हिंदे ने के ओल्ड पांड है इन्हें पे ठोक लिया तो पहले का मास पहले मालिकुलर से जाने हाइड्रोजन गैस का एक मालिकुलर से आगे ऑक्सीजन के दिवा और हिंदे ने के पांड है वो एक बिटवीन है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ठीक है इतने ऐसा जो बांड है हाइड्रोजन सा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ना कितने ऐसा है वो ही बांड है पर जब ऐसा है नपा से दा बनो हेते के बांड है ये खत्म दा दी वन नवर के समझ जा बांड ठीक दा है ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन सा नहीं ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन सा हेले हो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन सा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ना हेले हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन सा बांड नहीं हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का बांड माने हेडा वाला बांड थी या ब्रेक ए नवा बांड थी या फॉर्म दैट इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और वो केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस करा टाइप है एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन जब टाइप है एकड़ो एक्सोथर्मिक बियो एंडोथर्मिक What do you mean by exothermic and what do you mean by exothermic and endothermic? And endothermic में जो endo words हैं, ये endo जो word हैं, यो mean उधाई दो आई inside. And हेले जो reaction आसान जो, जब exo word हैं, exo आसान उधाई दो outside. आई जो term प्रामा, PHER थर्म जो होता है वो बताइए बात आगे हीट के बारे में वो इन टर्म्स जो होता है उसका है डेफिनेशन की डेफिनेशन है कि द एक्सोथर्मिक के इज अ प्रोसेस इज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज गिवन आउट बाय द रिएक्शन एडो रिएक्शन के में जका है रिएक्शन पानी हीट कर दी बाहर खार भी करे उन रिएक्शन के साथ है होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई वो रहते हैं जब में हीट जका है इनसाइड दिली मने उन रिएक्शन के उन रिएक्शन के साथ होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल दी फॉर्मेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जेके भी फॉर्मेशन वाला रिएक्शन होता है जब में काचे ठान दिया वो हमेशा जेके रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है आई ऑल द ब्रेकिंग रिएक्शन आर एंडोथर्मिक सजा फॉर्मेशन वाला रिएक्शन असा जा एक्सोथर्मिक होता है व्हाई देखिए ब्रेकिंग वाला रिएक्शन होता है वो ये सजा एंडोथर्मिक होता है हने सो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन में किया था थाने एंड ब्रेक में किया था थाने ये ऐसा हिते एनर्जी मिक्सचर कराया सी या ऐसा इन सारियों सी या सा मीथेन के ऑक्सीजन के मौजूदगी में बाहर की फॉर्मेशन कराया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर की इन रिएक्शन के जब कंबसन रिएक्शन भी आल्सो फॉर्मेशन रिएक्शन है जब में ऑक्सीजन है ना कंबाइन की दिया आई नई प्रोडक्ट का सारे फॉर्म थी बन दिया नई प्रोडक्ट का बन दिया हुआ सिमिलर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में सारे शामिल दिया एनर्जी हर एनर्जी जो का है आउटसाइड या वने थी देन ऐसा एनर्जी है रिएक्शन थे तो उनका बाद में दी एनर्जी मिले देखा हमेशा बाद में एनर्जी मिल दिया वो आई एनर्जी दिया एक दो यानी कि यो रिएक्शन सारे करवा एक्सोथर्मिक का पर जब ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन में ना हो एंडोथर्मिक रिएक्शन में साथ को हिक्लोरिक कंपाउंड का हीट कर दी गई करे ब्रेक कराई जाओ
मिसाल तौर अने कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट असवट पियो अने कैल्शियम कार्बोनेट तेसी का नट प्रदो देस ते उन एनर्जी न दियो पर जे कने कैल्शियम कार्बोनेट ने एनर्जी दियो तो वो टूटी पोंदो छा में टूटी पोंदो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अने कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड में तदे टूटो जदी इन में असा हीट एनर्जी के एडी यूज हाँ एडी करण माना इनसाइड डन इनसाइड डन माना रिएक्शन का साथ जो करो दो सिते एंडोथर्मिक रिएक्शन अरे देखो जेह में रिएक्शन का साथ हीट बाहर की भी बने वो ऐसा रिएक्शन करो यो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो देख के भी फॉर्मेशन वाला रिएक्शन होता है ने वो हमेशा देखने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ने अरे देखो ब्रेकिंग वाला रिएक्शन होता है ने वो हमेशा देखने का साथ या एंडोथर्मिक रिएक्शन और अगर बाद में डायरेक्शन के बेसिस पे असा जब कई किस्म का रिएक्शन थीना है एकरा एडा की के थीना है जे के होना इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो मकसद छा होंदो आ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो मकसद छा है इरिवर्सिबल रिएक्शन आ दो रिएक्शन इन वजह रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट एडा रिएक्शन जे में रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट इन प्रोडक्ट में वरी वो वापस मोटी नचन माने यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन सिर्फ कई डायरेक्शन एक में लेके असान रिएक्शन बिना है दैट रिएक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट कंज्यूम जाके साथ ना है रिएक्टेंट कंज्यूम थी ना है रिएक्टेंट खत्म थी ना है और शादी फॉर्मेशन दे दिया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जितना ग्राम रिएक्टेंट या कंज्यूम थी ना है उतना ग्राम के कहने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थी ना पौधे रिएक्टेंट या विभव के समान होना है एकरा रिएक्टेंट एरा होना है जिसके लिमिटिंग होना है ज्यादा नहीं कम होना है जिसके होना है समझा एक्सेस लिमिटिंग है एक्सेस तो मकसद चाहे एड़ा रिएक्टेंट जिसके सजा तकड़ में खत्म थी वजह ने वे असा जा देखे ने लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ऐसे के असन बची पवन ओए शाउंदा है असन जा एक्सेस रिएक्टेंट किए वठो डेली लाइफ में एग्जांपल दा वठो मिसाल दो असन के घर में डेली मानी पचंदी है मानी पचंदी वाला में दिसना हो सा तो मिसाल दो असन एक दिन 5 किलो अटो पचे तो उन 5 किलो अटो में असन वट लूण भी 5 किलो पिवा ए अटो भी 5 किलो पिवा माने पेरा खत्म करो थियो हमेशा पेरा खत्म हुओ थियो देखो घणे का घणो इस्तेमाल थियो ठीक है अटो असन 5 किलो दो इस्तेमाल थे उन में सिर्फ 4 या 5 ग्राम सिर्फ छा दो इस्तेमाल थे लूण दो इस्तेमाल थे अरे मकसद छा दो एको थी वो लिमिटिंग क्यों थी एक्सेस लिमिटिंग मकसद किया अटो असन तक में खत्म हो गया देखो एक्सेस में जो लूण असन वटे अन्या पियो अस अन्या क्या 5 किलो खणी जा 5 किलो भी खत्म थी अन्या असन लूण पियो अन्या क्या 5 किलो खणी जा 5 किलो और खत्म जा अन्या असन लूण पियो पौधे असल का होता है तो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या होता है एक्सेस के अंदर पूरे रिएक्टेंट के जगह पेरा कंज्यूम थी ने पेरा खत्म थी ने वो होने के लिए वाली लिमिटिंग रिएक्टेंट है पेरा जो कि ऐसा लगता है कि नहीं सकत और ऐसा लगता रिएक्शन का बाद में भी बची पवन दैट रिएक्शन आर कॉल्ड इज एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में एक सेपरेट के हुआ है के एरोसन वो एरो में देखरे हे सिंगल हेड वाला एरो आ दे शो द रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल इफ द एरो हैज टू डायरेक्शन दैट रिएक्शन शोज इज बाय डायरेक्शनल दैट एरो शोज द रिएक्शन इज बाय डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल का मकसद क्या होगा बाय डायरेक्शनल इज रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में शादी हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन में ये तो आ द रिएक्टेंट असन जा कन्वर्ट थी ना ने प्रोडक्ट में पेरा रिएक्टेंट असन जा प्रोडक्ट में कन्वर्ट थी ना एंड रिएक्टेंट असन जा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और एतरा रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट में किया है जो प्रोडक्ट बन गई या अनस्टेबल प्रोडक्ट शा बन गई अनस्टेबल आई प्रोडक्ट जने अनस्टेबल बनती में दिया तो वरी को रिएक्टेंट प्रोडक्ट की का कार्य मुह कर दिया रिएक्टेंट की तरफ हिते असा के बाय रो मिल रहा है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इन द रिएक्टेंट वो हिते असा के इन बाय डायरेक्शनल में बाय डायरेक्शनल है
एकलो होगा फॉरवर्ड क्यों होगा बैकवर्ड जति भी रिएक्टर का प्रोडक्ट की फॉर्म में रिएक्टर कन्वर्ट या प्रोडक्ट में उते जो रिएक्शन की दवासा जो होगा फॉरवर्ड आई जब प्रोडक्ट असन कन्वर्ट कर चुकी या चाहे रिएक्टर में उते असन जो रिएक्शन की दवा बैकवर्ड और उन के जो असन चल करना रिवर्स रिएक्टर जो कन्वर्ट के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो कन्वर्ट के रिएक्टर में ये हो आसान जो रिवर्सिबल रिएक्शन आई इन रिवर्सिबल रिएक्शन में हां आसान है फॉरवर्ड रिएक्शन भी पढ़ूंगा बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ूंगा और इन में एडी केडी शया जेका नाल शान है कि एबल थी पढ़ाए द रिएक्टर का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के ने पर प्रोडक्ट को ते मोटी है वो केडी शया वो है एक्टिव मास और एक्टिव मास का हिसाब लगाएगा एक्टिव मास द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टिव मास इन सब्सटेंस कहे कि सब्सटेंस में रिएक्टर को या प्रोडक्ट के उनमें में जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का देखा रिएक्टिव जब रिएक्शन थे तो जो दैट सब्सटेंस का लेंस एक्टिव मास उन्हें कैसा चाहते जाओ एक्टिव मास से निकालो और उन्हें जो बेसिस से ऐसा जो रिवर्सिबल रिएक्शन ना उनमें ऐसा कि अचीव थी दो डायनामिक इक्विलिब्रियम उत्ते ऐसा कहते हैं कि वह डायनामिक इक्विलिब्रियम हर डायनामिक इक्विलिब्रियम छापो को दाए तो ऐसा कहते हैं कि अगर रिएक्शन जो को थे को ऐसा जो वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड भी बने जो बैकवर्ड भी बने जो उत्ते फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाते भी जो उत्ते ऐसा रेट्स मेजर करता हूँ क्या रेट्स मेजर करता हूँ एक रा रेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन जा ब्यारों नसा करो बगल बैकवर्ड रिएक्शन हरे जदे हन का रिएक्टर का प्रोडक्ट है बने थपियो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ आई जदे असा जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मरी असा जो प्रोडक्ट का रिएक्टर के तरफ बचे थपियो त उन वक्त असा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पड़ता हो वो जदे ये बाय सिचुएशन जे में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यदि देखो है लेफ्ट राइट का लेफ्ट वालों लेफ्ट का राइट वालों जो रेट पाने में बराबर थी वजी जो टाइम पाने में बराबर थी वजी दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एनी सिचुएशन के साथ खास नहीं जाऊं डायनामिक इक्विलिब्रियम से जाऊं उन कंडीशन में असान के छा होगा तो जेत्रो असान की कंसंट्रेशन हेडा था प्रोडक्ट रे पे भी दिया ओतरी कंसंट्रेशन है ओतरे टाइम में असान जी प्रोडक्ट का काली दिया भाई रिएक्टर दे दिया भाई तो फिर असान के उते मिलन दो एक लो ग्राफ ग्राफ में छा के बताया ग्राफ में एक लो बताया हुआ रिएक्टर थे बियो शाखे बताया हुआ प्रोडक्ट के रिएक्टर के प्रोडक्ट की शाखे बताया हुआ कंसंट्रेशन के आई उन मां का रूप कर बियो शाखे बताया हुआ टाइम के जब भी कहे छे जो रेट मैया ने कबवा तो उन के कंपेयर कबवा विद फिक्स्ड टाइम जब भी कहे कि छे जो रेट मैया जो तो उन के कंपेयर हमेशा साथ कर लियो उन के टाइम सा टाइम के हमेशा सामने रखे हुए आए थे मिनट्स में छो मिनट्स में रखे हुए था छो तो ऐसा जैसे कि रिएक्शन होता है तमाम बड़ा लेती होता है टाइम कंज्यूम होता है उन टाइम का जो रिएक्शन हो जाए करे उन टाइम के साथ सेकंड के बदला है क्या में रखे हुआ मिनट में रखे हुआ ना चाहो तो ऐसा यूनिट का जो भाई टाइम का जो सेकंड था पर सेकंड के बजाय हम मिनट छोटा रखा मिनट इन्हें जलाया छो जो रिएक्शन ऐसा जब टाइम घड़े का बड़ा कंज्यूम करना है तेरे का ये टाइम अभी मिनट में रखे वो हिंदी ने का कंसेप्ट है भैया कई जगह हिंदी जगह दे ताम बैठा बैठे के रूल से मुताबिक तो ये जगह आसानी हो गया जीरो शादी हो गया जगह जाते पल्ला एक पान में मिला नहीं सेंटर हो गए उन्हें में बसों की भाषा जीरो एकड़ी लाइन छा दिया कंसंट्रेशन दिया बी लाइन छा दिया आसानी टाइम दिया अरे ये मैया था कि वो साइक डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो दिसोगा तो जीरो जब असान जो टाइम जीरो आ तो रिएक्टर का सामने खड़े ना बना पे
मिसाल तो ये देखन घणा में जे असन बिल्डिंग थे रहा होता प्या बिल्डिंग शुरुआती ने दिया था ना सा मटेरियल वठी रखियो आ तो ते मटेरियल जो आया असन रिएक्टर का तो वो रिएक्टर का सने घणे मिदार में प्या है पर असन प्रोडक्ट जे का एना ताई थई बिल्कुल भी ना है जो जो असन उन जे कंस्ट्रक्शन ते टाइम लगायो ही ठीक है जदी असन जे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट जो का कंस्ट्रक्शन ते टाइम लगाई गाली तो वो असन का प्रोडक्ट मिलंदी और हते ले का असन प्रोडक्ट जीरो पर जे असन रिएक्टर मैक्सिमम है इन जगह के रिएक्टर छाने सा जा मैक्सिमम प्रोडक्ट असन जीरो पर हाने सा ता के असन रिएक्शन के प्रोसीड था के जे रिएक्शन के प्रोसीड यो सी जे रिएक्टर ने सा कंज्यूम छ चुकी थी जे जे सा जा रिएक्टर कंज्यूम थी ना ते के असन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थी ठीक है जे सा जा रिएक्टर कंज्यूम कर शुरू था उए असन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन असन जी बदल शुरू थी एक एडी पॉइंट अति में जा के रिएक्टर ने प्रोडक्ट पी की कंसंट्रेशन बराबर थी ये एडी पॉइंट का जाथे रिएक्टर के एक पासे ना ओतरा पे है प्रोडक्ट भी बे पासे ना ओतरी पया इते रिएक्टर ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पाणा में जी बराबर इते सिर्फ कंसंट्रेशन बराबर किया इते असा के इक्विलिब्रियम अची रखियो पर आफ्टरवर्ड जदे असा अन्या कंटीन्यूअसली इने के कदा रंगादी रिएक्टर के के असा जा प्रोडक्ट में पे कन्वर्ट थीदा आई जेका प्रोडक्ट असा जी ठांदी और उना का बाद एक एडी पॉइंट अची मिली जाते जितना रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट थीदा ओतरी प्रोडक्ट वरी सामे कन्वर्ट थीदी रिएक्टर में कन्वर्ट थीदी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम उन पॉइंट के सा डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाओ तो ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी पढ़ता हूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी पढ़ता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की है तो केत्रो जिका कंसंट्रेशन केत्रे टाइम में असन रिएक्टर का प्रोडक्ट की तरफ वेरे पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की है तो असन केत्री जिका कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का का देते थी भाई रिएक्टर वाले पास देते थी भाई सो दैट्स ऑल अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम